सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन है भद्रा और कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गधे का मुख और लंबे पूंछ और तीन पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इसका स्वभाव भी शनि की तरह ही कड़क बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर भगवान सूर्य को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूप कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, भद्रे, जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश करे तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी और इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।